सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 2 करोड़ की लागत से बिंदुखत्ता रेलवे अंडरपास का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजनाएं संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 505 रेल परियोजनाओं की नींव रखी, जिससे लालकुआ के कई लोगों को नई सौगात मिली। लगभग 2 करोड़ की लागत से लालकुआ के घोड़ानाला बिंदुखत्ता रेलवे अंडरपास का मोदी द्वारा वर्चुअली शिलान्यास किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और इस उपलक्ष्य के लिए मोदी का आभार व्यक्त किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मोदी जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज रेलवे की कई योजनाओं का कायाकल्प हो रहा है। क्षेत्र वालों लोगों को एक अंडरपास सुविधा मिल रही है, जिससे कि यहाँ से लोगों को आना जाना सुगम होगा और उनका जो एक समय है वो बर्बाद होने से बचेगा। इसकी लागत करीब करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास आएगी इसकी अंडरपास की। तो हम लोग मई तक उम्मीद है कि मई तक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बन गए हैं और काम तेजी चल रहा है। माननीय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनके लगातार बिना रुके बिना थके और केवल एक चिंता, देश की चिंता, देशवासियों की चिंता। नमस्कार, कैसे लगातार प्रयास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत का जो आज इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। योजना हमारे इस बिंदुखत्ता क्षेत्र के लिए विशेष रूप से जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।